डॉक टाइप एचटीएमएल से हमने शुरू किया डॉक्यूमेंट आपका। दूसरा टैग हमेशा एचटीएमएल का टैग आपने ओपन किया, फॉरवर्ड स्लैश से टैग को क्लोज किया। उसके बाद हेड का टैग आएगा, हेड के अंदर टाइटल का टैग आएगा। टाइटल आप दे दें हेडिंग्स, टाइटल का टैग क्लोज किया, हेड का टैग क्लोज किया। उसके बाद हमेशा बॉडी का एलिमेंट आता है। अच्छा, सो एचटीएमएल हैज़ सिक्स लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। H1 हम यूज़ करते हैं फॉर मेन हेडिंग्स। H1 का टैग क्लोज किया, जो भी उसके दरम्यान में आप कंटेंट लिखेंगे वो उसको मेन हेडिंग बना देगा। H2 यूज़ करते हैं सब हेडिंग्स के लिए, और उसके बाद बाकी लेवल्स आते हैं। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज़ होता है, और H6 वी यूज़ फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग। ये आप देख रहे हैं, H3 का टैग हमने क्लोज किया, H4 इसका ये फोर्थ लेवल है, कुछ कंटेंट हम लिख रहे हैं। H4 का टैग आपने क्लोज किया, H5 फिर कुछ कंटेंट। ये ब्राउज़र को कम्युनिकेट करेगा कि ये हेडिंग का फिफ्थ लेवल है और आपका स्मॉलेस्ट हेडिंग H6। उसके बाद ही हमारा पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ का टैग ओपन किया, कुछ कंटेंट दिया, फॉरवर्ड स्लैश के साथ पैराग्राफ को क्लोज किया, फिर ये बॉडी का टैग आपने क्लोज किया। ये याद रखें, जो टैग भी ओपन करेंगे उस टैग को क्लोज करेंगे। अब ब्राउज़र में इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। आप मेन हेडिंग देख सकते हैं और स्मॉलेस्ट हेडिंग देख सकते हैं।